नेचर का सबसे सुंदर पर डरावना एनर्जी डिस्प्ले क्या है? वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैं जानता हूँ तुम किस चीज के बारे में बात कर रही हो। तड़ादुम, आसमान में बादल घिरे हुए हैं, तार तार, लाइटनिंग एंड थंडर। तड़ादुम, केटू, ये क्या है? मैंने सोचा तुम लोग बिजली की बात कर रहे हो तो बिजली कैसे कड़कती है समझते हैं। चलो देखते हैं, मैंने एक बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट डिवाइस किया है। इसको इसके ऊपर ऐसे घुमाते हैं, ये प्लास्टिक की शीट है और ये स्टील, इससे चार्ज होगा। रुको, वाओ दीपिका, देखा ब्लू स्पार्क। लेकिन शैतानी नहीं, सिर्फ समझो। आप भी समझिए। आसमान में बिजली का कड़कना स्थिर विद्युत का एक और उदाहरण है। होता यूं है, बड़े बड़े काले बादलों के अंदर पानी की बूंदें और बर्फ के कण आपस में रगड़ते हैं, टकराते हैं, उनके इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होते हैं और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बनती है। अब पॉजिटिव चार्ज बादल के ऊपरी तरफ और नेगेटिव चार्ज नीचे की तरफ जमा हो जाते हैं। इधर पेड़ों के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव और नेगेटिव का अंतर जब बहुत बढ़ जाता है तो बिजली कौंधती है और इलेक्ट्रिसिटी डिस्चार्ज होती है। अब तो आप समझ गए होंगे कि तूफान के समय पेड़ के नीचे क्यों खड़ा नहीं होना चाहिए।